गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी रांची के मोरबादी मैदान में राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन ने झंडा तोलन किया। वहीं उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन परेड के ग्राउंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तिरंगा झंडा फहराया। इसके बाद उन्होंने सशस्त्र बल की संयुक्त परेड का निरीक्षण भी किया। इसके अलावा राज्य के मंत्रियों ने अलग अलग जिलों में झंडा फहराया। हर तरफ तिरंगा झंडा लहराता देख सभी गौरवान्वित हो उठे। गणतंत्र दिवस पर पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। हर तरफ देशभक्ति गानों की गूंज है। The railway network is also expanding in our state. All the railway lines in Jharkhand got electrified, and under the Amrit Bharat station scheme, 20 railway stations of our state will be modernized with an estimation of 886.7 crores to have the best amenities in the railway stations. प्यारे भाइयों एवं बहनों, जोहार। प्रकृति की गोद में बसे संथाल परगना की संस्कृति आध्यात्मिक एवं वीर सपूतों की बलिदानी भूमि से मैं समस्त झारखंड वासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं बल्कि गौरव और सम्मान है। आज का यह दिन हमारे संप्रभुता एवं जनतंत्र के प्रति एक गहरी आस्था का राष्ट्र पर्व है। मैं नमन करता हूं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, नेता सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित उन महान विभूतियों को जिनके नेतृत्व में हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की और एक सशक्त लोकतंत्र राष्ट्र के रूप में हमें विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।